जंगल में खाने की कमी पड़ने के कारण दलमा इलाके में करीब 60 से 70 हाथियों का एक झुंड झाड़ग्राम जिले के रोहिणी इलाके में आकर तांडव मचा रहा है, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। हाथियों ने इलाके के धान के खेतों को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। झाड़ग्राम शहर में यहाँ वहाँ फैले गंदगी को साफ करने के लिए जिला महकमा शासक सुवर्ण राय खुद ही मैदान में उतरे हुए दिखाई दिए। नगर निगम का काम अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ, इसे लेकर शुक्रवार को सुवर्ण ने नगर निगम के कर्मियों को फटकार लगाते हुए सभी कामों को 72 घंटे के अंदर खत्म करने का आदेश दिया। शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रीवाही गैर सरकारी बस अनियंत्रित होकर सड़क के पास एक बंद दुकान से जाकर टकरा गई। इस घटना में बस में सवार 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजते हुए गोपाल पथारे थाने की पुलिस ने घातक बस को अपने कब्जे में ले लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाने और शासक दल के कर्मियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा का प्रतिवाद करते हुए शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस्लामपुर शहर और गांव मंडल कमेटी की तरफ से विरोध दिखाने के साथ ही साथ थाने के आईसी राजेंद्र छेत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्य जुड़े तृणमूल গুন্ডারা পুলিশের মদত যেভাবে একের পর এক বিজেপি কর্মীদেরকে খুন করে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের এই জেলাতে উত্তর দিনাজপুর জেলাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরু থেকে আজ অবধি বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্রে যেরকম ইটাহার রায়গঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় বহু বিজেপি কর্মীর নামে নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা চালানো হচ্ছে। पिछले 24 घंटे में मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का इलाके के हुसैनपुर चर इलाके में करीब 50 से 60 घर गंगा नदी के पानी में समा गए। उन घरों में रहने वाले निवासियों के लिए अब खुले आसमान ही मानो घर बन गया है। शुक्रवार को इस बात की खबर पाकर स्थानीय वीडियो अबूदाला महबूद अंसार घटनास्थल पर पहुंचे व मुआयना किया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी राहत सामग्री व राहत बचाव कार्य की शुरुआत नहीं की गई है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के जुसुरूपाड़ा गांव में काफी लोग बुखार की चपेट में आ गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों में डेंगू का लक्षण पाया गया है। बुधवार और शुक्रवार को मिलाकर कुल 10 मरीज बुखार लेकर बालूरघाट अस्पताल में भर्ती हुए। इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र और मच्छर मारने के स्प्रे का इंतजाम भी किया गया है। আগস্ট মাসের ফার্স্ট উইকে একটা ডেঙ্গু কেস পাই, আগস্ট মাসের শেষের দিকে আবার একটা ডেঙ্গু কেস পাই। তারপরে আমরা খোঁজ খবর রাখছিলাম আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী এবং আশাদের থ্রু দিয়ে আগস্ট মাসের শেষের দিকে যে হঠাৎ করে জ্বর বাড়ছে ওখানে, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 31 তারিখে একটা হেলথ ক্যাম্প করি। 300 জন মোট অ্যাটেন্ড করে, তার মধ্যে যশোরাপাড়ার পেশেন্টও ছিল। ওখান থেকে জ্বরের কেস 50টা অ্যাটেন্ড করে কিছু সাসপেক্ট আমরা করেছিলাম ডেঙ্গু হতে পারে, ভেবে এরকম 28 জনের রক্ত পরীক্ষা করে ডিস্টার্ব, তার মধ্যে 4 জনের ডেঙ্গু ধরা পড়ে। আপাতত তারা সবাই ভালো আছে, 2 জন ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে ভর্তি। हर साल की तरह इस बार भी 1 से 7 सितंबर तक पुष्टि सप्ताह का पालन किया जाएगा। शुक्रवार को सप्ताह के आखिरी दिन में बालूरघाट शहर के 22 नंबर वार्ड के कम्युनिटी हॉल में एक कार्यक्रम, आसानी से मिलने वाली चीजों से कैसे पुष्टि मिल सकती है, इस बात की सलाह दी गई। প্রত্যেক বছরই 1 থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত আমাদের নিউট্রিশন সপ্তাহ পালন করা হয়, মানে পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হয়। তো 1 থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি প্রত্যেক দিন পালন করে এসেছি, আজকে তার শেষ দিন। আজকের আমাদের বিষয় ছিল যে সহজলভ্য জিনিস দিয়ে কিভাবে আমরা নিউট্রিশনাল খাবার তৈরি করব। मुर्शिदाबाद जिले के गरीबपुर किया घाट नाव डूबने के मामले में शनिवार की अहले सुबह राहत बचाव टीम ने एक के बाद एक तीनों लापता यात्रियों के शव बरामद कर लिए। प्रशासन सूत्रों के अनुसार नाव दुर्घटना में लापता बस ये 3 ही लोग शामिल थे। तीनों की मौत से डोमकल इलाके में मातम पसरा हुआ है।